अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। हर साल की तरह धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार गणेश चतुर्थी इस बार कोरोना की जद में है, यानी कि इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी ही सादगी से मनाया जा रहा है। लोग सरकार की जो अपील है सोशल डिस्टेंस की, उसे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल झांकियां नहीं सजेंगे, पिंडदान नहीं लगेंगे, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती थी इस त्यौहार पर, वो अब कैसे नहीं होगी। कुल मिलाकर श्रद्धा आस्था के साथ ये त्यौहार इस बार मनाया जाएगा। हमारे पिछले साल के ये वृद्ध रूप में खूब बड़ा आयोजन होता था पिछले 20 सालों से, लेकिन इस बार तो बहुत सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है और जितने पदाधिकारी हैं केवल वही मना रहे हैं। बाहर के व्यक्तियों के लिए प्रवेश नहीं है, वो घर पे ही बैठ करके गणेश उत्सव मनाएं, हमारी उनसे यही प्रार्थना है। यहाँ पर बहुत बाहर से पार्टी आती थी और बहुत कलाकार आते थे, झांकियाँ सजती थी और रासलीला आदि बहुत होती थी यहाँ पर। और मैं कहता हूँ कि उत्तर भारत में ऐसा प्रोग्राम चंदोसी के बाद जो होता है मुरादाबाद में ही होता है और कहीं नहीं। हाँ, इस साल कोरोना की वजह से जो है असर ये देखा जाता है कि हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि इसलिए सरकार के साथ हैं क्योंकि हमें लोगों की जो है परवाह है, इसलिए हम सूक्ष्म रूप में मना रहे हैं। ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एंग रिंग क्लिंग चांद लाइव चेक ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। बोलो दीप नारायण महाराज की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये मैं सचिन अग्रवाल, श्री गणेश महोत्सव समिति का अध्यक्ष। पिछले साल में इस साल में तो बहुत फर्क है। इस साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और सिर्फ जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो लोग ही मना रहे हैं, वरना हर वर्ष हज़ारों की भीड़ इकट्ठी होती थी। रात को बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, इस बार वो कुछ नहीं मनाया जा रहा। सिर्फ थोड़े से कमेटी के मेंबर ही, वो भी अलग अलग समय पर आकर अपने पूजा करें, ध्यान लगाएं गणेश जी महाराज का, वो व्यवस्था की गई है। प्रतिमा का रूप भी इसलिए छोड़ा दिया है कि बड़ी प्रतिमा जो आती थी हर वर्ष, इस वर्ष छोटी प्रतिमा इसलिए लाई गई है कि बड़ी प्रतिमा को ज़्यादा लोग उठाते थे तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पाता, इसलिए प्रतिमा भी इस वर्ष छोटी ही लाई गई है। बस मैं महानगर वासियों को सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि अपने घर बैठकर गणेश महोत्सव बनाएं, गणेश जी के भजन संध्या करें और आनंद लें, धर्म लाभ उठाएं।